हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अकबर बिरबल की कहानियाँ तो सुनी ही होगी। आज का जो हमारा चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट, उसका फोर्थ यूनिट का 4.5, इट्स अ पोएम तानसेन रिटन बाय हजरत इनायत खान। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। ये एक स्टोरी को पोएटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है और इसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। ये पोएम जो है कॉपलेट फॉर्म में लिखा गया है, दैट मीन्स टू टू लाइन्स जो है राइम कर रही है, और इसका राइमिंग स्कीम इसीलिए ए ए बी बी सी सी डी डी इस तरीके से है। आप देखेंगे हर दो लाइन्स राइम कर रही है। इनमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं जिससे ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल बन रही है, जैसे कि सिमिली यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, ऑनोमेटोपोइया यूज़ किया गया है, एक्सेट्रा। साथ ही साथ इस पोएम की एक खूबसूरत बात और यह है कि इसके अंदर आर्चियक वर्ड्स भी यूज किए गए हैं। आर्चियक वर्ड्स मीन्स ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। इससे ब्यूटी जो है एक किसी भी लैंग्वेज की बढ़ जाती है। इस पूरे पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो के इसी एक्सप्लेनेशन के एंड में, इसी पोएम के एक्सप्लेनेशन के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तानसेन। तानसेन द सिंगर इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट वन ग्रेट रिनाउन थ्रू द बादशाही फोर्ट। यानी कि तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में एक कोर्टियर है और वो एक सिंगर है, और वो इतना अच्छा सिंगर है कि उस बहुत ही फेमस हो गया है, वो पूरे सिटी में, किंगडम में बहुत ही फेमस हो गया है ना। थ्रू द बादशाही फोर्ट, यानी पूरा बादशाही फोर्ट इलाका जितना भी है उसमें ये तानसेन जो है एक बहुत ही वंडरफुल सिंगर के रूप से, के नाम से फेमस है। हिज वॉइस रैंग लाइक द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स एंड अकबर रेविश्ड हर्ड द स्टोरी टेल्स। तो कहानियाँ ये बताती है कि जब भी तानसेन गाते थे तो ऐसे लगता था जैसे मानो घंटियाँ बज रही है, मधुर आवाज़ निकल रही है, और अकबर जो है उनके इस धुन को बहुत इंजॉय करते थे। रेविश्ड मीन्स बहुत इंजॉय करते थे, जब भी वो सुनते थे बहुत खुश होते थे। ऐसे किस्से कहानियों में बताया गया है अकबर और बिरबल के बारे में, द स्टोरी टेल्स। यानी कि एक स्टोरी जो है हम ये पोइट्री फॉर्म में जो कर रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि जब भी तानसेन गाते थे तो ऐसे लगता था जैसे मानो घंटियां बज रही है और बहुत ही मधुर आवाज निकल रही है उनके मुंह से, मुख से, गले से, और अकबर जो है उनकी आवाज सुनकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, गेव हिम मेनी अ जेम, कॉल्ड हिम चीफ ज्वेल इन हिज डायडेम। और ये जो किंग थे, किंग अकबर जो है, वो बहुत खुश रहते थे तानसेन से, उसकी गायकी से हमेशा, तो उसकी बहुत तारीफ भी करते थे। प्रेज्ड हिम यानी कि उसकी तारीफ भी करते थे, और साथ ही साथ कई बार उन्हें कीमती जेवर भी देते थे। जैसे कि राजा महाराजाओं का हमने देखा है मूवीज में वगैरह कि अगर वो किसी से खुश होते हैं तो अपने गले से मोती की माला निकाल कर, कीमती जेवर जो है निकाल के उनको दे देते हैं। तो किंग अकबर भी कुछ ऐसा ही करते थे तानसेन के साथ में, उन्हें बहुत सारे उन जेम्स उन्होंने दिए हैं, यानी कि कीमती जेवर दिए हैं। कॉल्ड हिम चीफ ज्वेल इन हिज डायडेम, और साथ ही साथ उन्हें, उन्होंने, अकबर ने, किंग अकबर ने तानसेन को एक चीफ ज्वेल की पदवी दी है अपने क्राउन में। कहा जाता है कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न नाम के ये कोर्टियर्स थे, नवरत्न पूरे नौ, और हर एक कोर्टियर जो है अपने अपने फील्ड में बहुत ही स्किल्ड था, माहिर था। जैसे तानसेन एक सिंगर है, वैसे कोई पेंटर था, कोई राइटर था, कोई शायरी करता था, कोई तलवारबाजी करता था, मतलब अलग अलग उनके क्वालिटीज थे, स्किल्ड थे, और वो इतने स्किल्ड थे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता था। इसीलिए किंग ने उनको रत्नों की पदवी दी थी, किंग अकबर ने, इसीलिए नाइन ज्वेल्स कहते हैं। और ये रत्न जो है सारे के सारे उनके क्राउन में फिट किए गए थे, हर एक कोर्टियर के लिए एक रत्न था जो उन्होंने अपने क्राउन में, डायडेम मीन्स अ क्राउन, तो डायडेम आपका जो है आर्चियक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, और इसका मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब है क्राउन। तो किंग अपने क्राउन में नाइन ज्वेल्स हमेशा पहनते थे, और ये नाइन ज्वेल्स मतलब उनके नौ कोर्टियर्स, एकदम स्किल्ड कोर्टियर्स। तो किंग जो है हमेशा प्रेज करते थे और बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरीज देते थे,
उन्हें चीफ ज्वेल भी कहा गया है उनके डायडेम में, यानी कि उनके क्राउन में जो चीफ ज्वेल है, मेन हीरा, वो तानसेन ही है। वन डे द सिंगर सैंग द सॉन्ग ऑफ फायर द दीपक राग एंड बर्निंग लाइक अ पायर। तो एक दिन सिंगर यानी कि तानसेन ने एक गाना गाया जिसे दीपक राग कहते हैं, दीपक मीन्स फायर, जो कि सॉन्ग ऑफ फायर था दीपक राग। अब उस वक्त ये सिंगर्स जब गाते थे तो उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि ये दीपक राग, दीपक मीन्स फायर, तो दीपक राग जब वो गाते थे तो वो खुद भी जलने लग जाते थे, खुद के अंदर इतना हीट क्रिएट हो जाता था कि वो खुद भी ऐसे आग जैसे बनने लग जाते थे। हिज बॉडी बर्स्ट इन टू कंज्यूमिंग फ्लेम, मतलब जब वो दीपक राग गाने लगे तो उनका पूरा बॉडी जो है आग के चिंगारियों से उभरने लगा, बनने लगा, आग के चिंगारियों में कन्वर्ट होने लगा। टू क्योर हिज बर्निंग हार्ट अ मेडन केम, तो ये जो जल रहे थे इतने दीपक राग गाने की वजह से तानसेन, तो उनकी जलन को ठंडा करने के लिए एक मेडन आई वहां पर, एक वुमेन आई, सिंगर आई, जिन्होंने दीपक राग को ठंडा करने के लिए मल्हार राग गाया। मल्हार राग क्या है? द सॉन्ग ऑफ कोल्ड वाटर। एंड सैंग मल्हार द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड, उसने कोल्ड वाटर का सॉन्ग गाया। मतलब उनके अंदर भी इतनी शक्ति थी कि जब वो ये कोल्ड वाटर का सॉन्ग गा रही थी तो चारों तरफ एकदम मौसम ठंडा हो गया था, जैसे दीपक राग वो गा रहे थे तो चारों तरफ मौसम एकदम गर्म हो गया था और वो जलने लग गए थे। वैसे ही जब उसने मल्हार राग गाया, जो सॉन्ग ऑफ कोल्ड वाटर है, तो चारों तरफ एकदम वातावरण ठंडा हो गया और उन तानसेन के अंदर की जो अग्नि थी, आग थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। टिल हेल्थ रिटर्न एंड कम्फर्ट एज ऑफ ओल्ड, और धीरे 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 तानसेन जो है एकदम नॉर्मल वापस से हो गए, जो वो इतने जल रहे थे वो एकदम से नॉर्मल हो गए जैसे पहले थे। माइटी थाई टीचर मस्ट बी एंड डिवाइन, तो अकबर जो इतने हमेशा प्रेज वर्दी रहते हैं तानसेन के लिए, वो कहते हैं कि तानसेन जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे टीचर कितना अच्छा गाते होंगे, तो तुमने जिनके पैरों पर सीखा है ये गाना तो वो खुद कितना अच्छा गाते होंगे। सो माइटी दाई टीचर, मतलब तुम्हारी टीचर तो और भी बढ़िया गाती होगी। माइटी मीन्स पावरफुल, दाई मीन्स योर, टीचर मस्ट बी एंड डिवाइन, डिवाइन मतलब आप बोल सकते हो ग्रेट। ग्रेट अकबर सेड मैजिक इंडीड इज दाइन, लेकिन फिर ग्रेट अकबर ने कहा कि वो आपके टीचर तो ग्रेट है ही, लेकिन यहां पर तुमने बहुत अच्छा मैजिक क्रिएट किया है अपने गाने से, मैजिक इंडीड इज दाइन। लर्न एट हिज फीट देन हैप्पी तानसेन बोर्ड एंड सेड बियॉन्ड द वर्ल्ड इग्नोबल क्राउड। अब यहाँ पे अकबर जब कहते हैं कि ये जो मैजिक है वो इंडीड तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उनके पैरों के नीचे सीखा है ये सब, उनके पैरों में बैठकर, चरणों में बैठकर ये सब सीखा है, तो डेफिनेटली उनके अंदर तो और भी, तुमने जो मैजिक क्रिएट किया है तो उनके अंदर तो इससे भी ज्यादा मैजिक होगा। तब तानसेन जो है वो खुश हुआ और उसने बो किया किंग के सामने, यानी झुका वो अदब से, और उसने कहा कि बियॉन्ड द वर्ल्ड इग्नोबल क्राउड स्कॉर्निंग इट्स वेल्थ रिमोट एंड फार अवे ही ड्वेल्स विद इन अ केव ऑफ हिमालय। तो ये तानसेन जो कह रहे हैं कि मेरे जो गुरु है वो इस क्राउड से, भीड़ भाड़ से, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उन सबसे दूर है, और उन्होंने सारे धन दौलत भी छोड़ रखे हैं, मतलब ही हैज शंड एवरीथिंग, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, और वो एकदम अकेले जाकर, दूर जाकर बसे हैं, ड्वेल हुए हैं, कहाँ पर? इन द केव ऑफ हिमालय। कुड आई बट सी हिम वंस, डिजायर्ड द किंग, सिट एट हिज फीट अ वाइल एंड लिसनिंग। तो किंग अकबर कहते हैं कि क्या मैं एक बार आपके गुरु से मिल सकता हूं, एक बार उन्हें देख सकता हूं। किंग अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं क्योंकि किंग इतने खुश है तानसेन की सिंगिंग से, तो वो सोच रहे हैं कि जब तानसेन इतना अच्छा गाते हैं तो उनके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो यही सोचकर किंग जो है उनके अंदर ये डिजायर हुई, ये इच्छा हुई कि मैं उनके गुरु को, तानसेन के गुरु को मिलना चाहूं, मिल सकूं। और उनकी ये भी डिजायर थी कि वो उनके चरणों के नीचे बैठ सके, वहां पर चरणों पर बैठ सके और उनका गाना सुने। सिट एट हिज फीट अ वाइल, अ वाइल मीन्स फॉर सम टाइम, अ वाइल भी आपका ये ओल्ड आर्चिए कोर्ड्स है, फॉर सम टाइम, एंड लिसनिंग, और उनको सुनू मैं। हियर हिज सेलेस्टियल सॉन्ग, उसका सेलेस्टियल सॉन्ग मतलब डिवाइन सॉन्ग, एकदम दुनिया से परे, एकदम अच्छा, एकदम गॉडली।
आई वुड डिनाई माई स्टेट एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी। तो किंग अकबर यहाँ तक भी कह रहे हैं कि उनका गाना सुनने के लिए तो मैं अपने किंग की जो पोशाक है, अपनी राजा की पोशाक जो है, वो तकातक छोड़ दूंगा और एक गुलाम की तरह कपड़े धारण करूंगा और एक गरीब इंसान की तरह चलूंगा मैं, अगर गरीबों की तरह कपड़े पहनूंगा अगर मुझे उनका गाना सुनने को मिल जाए तो मैं ये करने को भी तैयार हूँ। तो मैं अपना स्टेट यानी कि अपना किंगशिप लॉर्डशिप भी गिव अप करने को तैयार हूँ और एक गरीबी में चलने के लिए तैयार हूँ। देन सेड तानसेन, तो तानसेन फिर कहे, एज यू डिजायर हुजूर, जैसी आपकी मर्जी हुजूर। हुजूर मीन्स योर मेजेस्टी, ये हुजूर भी ओल्ड आर्ची एक्ट कोड में आ जाता है। इंडीड ट्वेर बेटर एज अ स्लेव एंड पुअर, तो इंडीड तो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, ट्वेर का मतलब इट वुड बी, ये अगेन ओल्ड आर्ची एक्ट वर्ड है जिसका इंग्लिश मॉडर्न इक्विवेलेंट मतलब है इट वुड बी बेटर एज अ स्लेव एंड पुअर। तो उसने कहा ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा, और ये और भी बेहतर होगा कि अगर आप बिल्कुल गरीबों वाले कपड़े ही पहनकर चले उनके पास में। टू कम फॉर ही लिफ्टेड अबाउट द थिंग्स ऑफ अर्थ डिसडेन्स टू सिंग टू अर्थली किंग्स, और वो इसलिए आप अगर गरीब बनकर चलोगे तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ गा दे, लेकिन वो इंसानों के लिए कभी नहीं गाते, और स्पेशली जो किंग्स होते हैं अर्थली किंग्स, जो अर्थ पर रहने वाले राजा महाराजा, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं गाते। डिसडेन्स, डिसडेन्स मीन्स ही नेवर सिंग्स फॉर अर्थली किंग्स। लॉन्ग वॉज द रोड एंड अकबर एज अ स्लेव फॉलोड तानसेन हु रोड टुवर्ड्स द केव। अब तानसेन और अकबर दोनों चल पड़े उनके गुरु से मिलने के लिए, तानसेन के गुरु से मिलने के लिए, तो रास्ता तो लंबा था और अकबर जो है एज अ स्लेव बने हुए चल रहे थे और तानसेन उनको फॉलो कर रहे थे और वो केव की तरफ राइड करते जा रहे थे। हाई इन द माउंटेन्स एट द सिंगर्स फीट दे नेल्ट एंड प्रेड विद सप्लिकेशन स्वीट। अब हाई इन द माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे हिमालयों में वहां पर वो पहुंच गए। एट द सिंगर्स फीट मतलब गुरु के सामने पहुंच गए और उसके चरणों में बैठ गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, झुककर अपने घुटनों पर बैठे और उनसे प्रार्थना की विद सप्लिकेशन स्वीट। सप्लिकेशन मीन्स बहुत ही हम्बल पोलाइट वे में उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ गा दे। टूवर्ड्स दाई श्राइन लो वी हैव जर्नीड लॉन्ग ओ होली मास्टर ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग। और उन्होंने कहा कि हम आपके दर पर पधारे हैं। श्राइन मीन्स द होली प्लेस, मतलब हम आपके दर पर आए हैं, यहाँ पर रुके हैं। वी हैव जर्नीड लॉन्ग, और हमने बहुत लंबा सफर तय किया है यहाँ तक आने के लिए। ओ होली मास्टर मतलब हे खुदा के बंदे, ओ होली मास्टर, ओ डिवाइन, ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग, प्लीज हम पर कृपा करे, अपना गाना हमें सुनाए, मतलब अपना संगीत हमें सुनाए, नॉट गाना, हम अपना संगीत हमें सुनाए। देन उस्ताद वन बाय देयर ह्यूमिलिटी सैंग सॉन्ग्स ऑफ पीस एंड हाई फेलिसिटी। फिर जो उस्ताद थे वो इतने खुश हो गए उनकी हम्बलनेस से, किंग जो घुटनों पर आ गए थे और उनसे कहने लगे गाना गाने के लिए, वो इतने खुश हो गए थे उनकी ह्यूमिलिटी देखकर कि उन्होंने फिर गाना शुरू किया उनके गुरु ने, तानसेन के गुरु ने, जिसे हम उस्ताद कहते हैं ना। उस्ताद का मीनिंग क्या है? उस्ताद उसे कहा जाता है जो मास्टर होता है किसी आर्ट में, चाहे वो फाइटिंग में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, उसे उस्ताद कहा जाता है। तो उस्ताद जो है, जब उन्हें बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई इतने हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा है, इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें मुझे गाना चाहिए, तो ही स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग ऑफ पीस एंड हाई फेलिसिटी। हाई फेलिसिटी मीन्स हैप्पीनेस, सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी जब होती है तो वो चीज। द मलकाउस रागा ऑल एस्थेटिक रैंग, तो उन्होंने कौन सा गाना गाया, कौन सा राग गाया? द मलकाउस रागा। तो बच्चों इस पोएम में अभी तक तीन राग के नाम आ चुके हैं। सबसे पहला था दीपक राग जो तानसेन ने गाया था, फिर दूसरा था मल्हार राग जो कि एक मेडन ने गाया था, और तीसरा है मलकाउस रागा जो कि उस्ताद गा रहे हैं यानी कि तानसेन के गुरु। द मलकाउस रागा ऑल एस्थेटिक रैंग मतलब मलकाउस रागा वो उन्होंने गाना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया चारों तरफ एकदम खुशियां ही खुशियां फैल गई। ऑल एस्थेटिक रैंग, एस्थेटिक मीन्स समथिंग वेरी 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 हैप्पी थिंग विच इज हैपनिंग अराउंड। तो चारों तरफ खुशियां फैल गई। टिल बर्ड्स एंड बीस्ट्स एंचेंटेड एज ही सैंग, और तब तक
ये खुशियां आगे फैलती गई जब तक कि सारे जितने भी बर्ड्स एंड एनिमल्स वहां के, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वाइल्ड हो, बीस्ट वाइल्ड एनिमल्स के लिए कहा गया है, तो टिल बर्ड्स एंड बीस्ट एंचेंटेड एज ही सैंग, तो सभी के सब उस उनकी तरफ इस तरह से आकर्षित हो गए थे जैसे कि मानो उन्होंने कोई जादू कर दिया हो कि सब उनके पास आके बैठे। तो एंचेंटेड मीन्स जादू कर देना। सो जैसे ही उन्होंने मलकाउस रागा गाया, चारों तरफ खुशियां फैल गई और सारे के सारे बर्ड्स बीस्ट सारे के सारे वहां जमा हो गए उन्हें सुनने के लिए, जैसे कोई उन्होंने जादू कर दिया था और वो सभी वहां पर बैठे थे उन्हें सुनने के लिए। गैदर टू हियर, सभी गैदर हो गए थे उनको सुनने के लिए। ओवर अकबर्स ड्रीमिंग सोल, और अकबर तो आंखें बंद करके जैसे मानो उनके गाने में ही पूरी तरह से खो गए थे। ही फेल्ट द वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर रोल, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो। हेवनली रैप्चर रोल, इतनी खुशी जैसे कि उन्हें जन्नत मिल गई हो, स्वर्ग मिल गया हो। बट एज ही टर्न टू स्पीक हिज वर्ड्स ऑफ प्रेज, और जैसे ही जब उनका मलकाउस रागा खत्म हुआ और अकबर ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने गुरु की तरफ मुंह करके कुछ तारीफ के शब्द कहने चाहे, तो उन्होंने देखा कि उस्ताद तो वैनिश हो चुके थे फ्रॉम हिज वंडरिंग गेज, मतलब उनके नजरों से ओझल हो चुके थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। टेल मी तानसेन, व्हाट थीम दिस इज दैट होल्ड्स द सोल एनचेंटेड एंड द हार्ट एनफोल्ड्स। तो अकबर जो है वो इतने ज्यादा एनचेंटेड हो गए थे, इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे मलकाउस रागा की ओर, तो वो तानसेन को पूछने लगे कि तानसेन ये क्या गाया है उन्होंने जिन्होंने मुझे इतना अंदर से झकझोर दिया है। मैं तो इस तरीके से फील कर रहा था जैसे मानो मैं हेवन में पहुंच गया हूँ, इतना एनचेंटेड हो गया था मैं, इतना आकर्षित हो गया था उनके इस गाने की तरफ, और मेरा दिल जो है वो पूरी तरह से बैठ गया था उनका गाना सुनकर खुशी के मारे। तो आखिर में क्या गाया उन्होंने ऐसा? तो इन हाई डिलाइट, तो एकदम ज्यादा खुश होते हुए तानसेन जो कहता है, एंड वेन ही न्यू द नेम, और जब तानसेन अकबर को नाम पता चला कि उन्होंने मलकाउस रागा गाया, तो अकबर जो है तानसेन से पूछते हैं, टेल मी अगेन ही सेड, वापस से उन्होंने कहा, कुड यू द सेम, क्या तुम भी सेम ऐसा ही गाना गा सकते हो मेरे लिए। तो अकबर जो है तानसेन को पूछ रहा है कि क्या तुम भी ये मलकाउस राग मेरे लिए गा सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तुम्हारे मास्टर ने गाया है, उस्ताद ने गाया है। धीम सिंह टू ल्योर माई हार्ट टू पाथ्स अनट्रोड, क्या तुम मेरे लिए ये गा सकते हो, मुझे रास्ता दिखा सकते हो, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे ये गाना फिर से सुनना है, क्या तुम मुझे ये रास्ता दिखा सकते हो ये गाना गाकर। आह नो, टू दी आई सिंग, ही सिंग्स टू गॉड, तो तानसेन कहता है नहीं, मैं तो आपके लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु जो है वो गॉड के लिए गाते हैं, वो किसी इंसान के लिए नहीं गाते हैं, वो गॉड के लिए गाते हैं, इसलिए उनके सिंगिंग में उतना जादू है। मैं तो इंसानों के लिए गाता हूँ, मैं आपके लिए गाता हूँ, इसीलिए मेरे सिंगिंग में इतना जादू नहीं है उनके जितना। वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यहाँ पर यह खत्म होता है बाय हजरत इनायत खान। तो इसी के साथ यहाँ पर मेरा पोइट्री एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये है वार्मिंग अप एक्सरसाइज, तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेम ऑफ द रागा एंड इफेक्टिव वेन, कब होता है। तो यहाँ पे कुछ 9-10 राग्स दिए हुए हैं, और वो कौन से टाइम ऑफ द डे में गाया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। सो फर्स्ट इज पहाड़ी रागा इवनिंग में, नेक्स्ट इज भैरव रागा जो मॉर्निंग में गाया जाता है, दीपक राग वो भी इवनिंग में गाया जाता है, मलकाउस रागा स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यामन सनसेट टू लेट इवनिंग, सनसेट से शुरू होकर एकदम देर रात तक चलता है, भीम पलासी ये लेट आफ्टरनून से सनसेट तक चलता है, देन केदार लेट इवनिंग टू मिड नाइट तक चलेगा, जोग जो आपका सुबह के थोड़े थोड़े घंटों में, एक एक दो दो घंटों में गाया जाता है, भैरवी राग जो ऑफन एक कोई भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस होता है उसके एंड में गाया जाता है, देन गॉड मल्हार ये मानसून सीजन में नॉर्मली गाया जाता है। अब ये आचियक लैंग्वेज है, आचियक लैंग्वेज मैंने आपको बोला है ओल्ड इंग्लिश वर्ड, इसका हमें मॉडर्न इक्विवेलेंट बताना है और मीनिंग इन इंग्लिश क्या है। तो डायडेम, ये पैसेज में सी है, डायडेम का मीन्स ए क्राउन, और इंग्लिश में भी इसका मीनिंग क्राउन ही है। राग, राग ट्यून, इंग्लिश में उसका मीनिंग ट्यून होता है, मॉडर्न इक्विवेलेंट राग ही है। दाइन, दाइन योर्स, हुजूर, हुजूर लॉर्डशिप, ट्वेर, ट्वेर इट वॉज, लो, लो बी होल्ड, दाई, दाई योर, ओवर, ओवर दिस इज ओवर,
अनट्रोड अनट्रोड नॉट वॉक्ड ओवर। अब ये जो क्वेश्चन है वो जो 9 जेम्स अकबर के ज्वेल में है उसके ऊपर है, और ये क्वेश्चन आधा थोड़ा सा कट हो गया है, बट इसके आंसर में द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वर अबुल फैजी इबिन मुबारक, राजा तोडरमल, अब्दुल रहीम खान ई खाना, राजा बिरबल, मुल्ला दो पियाजा फैजी, फकीर अजियोद्दीन तानसेन एंड राजा मान सिंह वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड अकबर रिवॉर्ड तानसेन फॉर द एस्थेटिक इफेक्ट ऑफ हिज सिंगिंग? अकबर रिवॉर्डेड तानसेन बाय प्रेजिंग हिम, गिफ्टिंग हिम अ लॉट ऑफ ज्वेल्स एंड कॉलिंग हिम द चीफ ज्वेल इन इट्स डायडेम। व्हाट हैपेंड टू तानसेन व्हेन ही सैंग द दीपक रागा विद ग्रेट फर्वर? When Tansen sang the Deepak Raga with great fervor, his body burst into flames and burnt like a pyre. How did he, Tansen, come back to normal again? He, Tansen, came back to normal again when a maiden sang Malhar, the song of cold water, and put out the fire. What does the incident tell us about Tansen's singing? The incident tells us that Tansen's singing was wholehearted, simply magical and divine. Poetic devices. पिक आउट द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द फर्स्ट 6 लाइन्स। राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हमें चाहिए कोट फोर्ट बेल्स टेल्स जेम डायडेम, ये फर्स्ट 6 लाइन्स के हैं। हिज वॉइस रैंग लाइक द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स, पिक आउट एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। अब इस लाइन में क्योंकि ये वर्ड लाइक आ गया है, दैट मीन्स इट इज अ सिमिली, क्योंकि यहाँ पे हिज वॉइस इज कम्पेयर टू द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स विद द यूज ऑफ द वर्ड लाइक। नाउ दिस इज हु सेड टू होम, ये यहाँ पे अटरेंसेस दिए हुए हैं, ये किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, वेन। सो माइटी दाई टीचर मस्ट बी एंड डिवाइन, अकबर सेट टू तानसेन आफ्टर हियरिंग द वंडरफुल दीपक राग। ही ड्वेल्स विद इन अ केव ऑफ द हिमालय, तानसेन सेट टू अकबर व्हेन अकबर प्रेस्ड तानसेन एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज टीचर। एज यू डिजायर हुजूर, तानसेन सेट टू अकबर व्हेन अकबर टोल्ड तानसेन दैट ही वॉन्टेड टू सी द टीचर एंड हियर हिम सिंग। ओ होली मास्टर ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग, अकबर एंड तानसेन सेट टू द टीचर दैट इज द उस्ताद व्हेन दे मेट द टीचर इन द माउंटेन। अह नो टू दी आई सिंग, ही सिंग्स टू गॉड, ये तानसेन सेट टू अकबर व्हेन अकबर आस्क्स हिम टू सिंग द सेम म्यूजिकल कॉम्पोजिशन दैट उस्ताद हैड संग इन द सेम वे। व्हाट थीम दिस इज दैट होल्ड्स द सोल एनचेंटेड, अकबर सेट टू तानसेन, और व्हेन अकबर हियर्स द ब्यूटिफुल म्यूजिकल कॉम्पोजिशन दैट उस्ताद हैड संग। Answer the following questions. What did Tansen tell Akbar about his teacher? Tansen told Akbar that his teacher stayed in a remote cave in the Himalayas, far away from the unworthy crowds, scorning worldly wealth. He did not think it worthy to sing to kings, and hence Tansen suggested that it would be better for Akbar to meet him as a poor slave. Why did Akbar change his knightly attire or give reasons? Akbar had to dress like a slave. Akbar badly wanted to meet Tansen's teacher and hear him sing. However, the teacher did not think it worthy to sing to kings, and hence Tansen suggested that it would be better for Akbar to meet him as a poor slave. Therefore, Akbar changed his kingly attire and wore the robes of a poor man. Write the reason in your own words. Akbar strongly desired to hear Ustad, the teacher, sing. Akbar was enraptured with Tansen's singing. He said that Tansen's teacher must be mighty and divine for Tansen to have learned to sing so magically under his coaching. Akbar then felt that Ustad's singing would be even better, and so he strongly desired to hear Ustad sing. Now these are poetic devices. Pick out the rhyming words in the last 6 lines of the extract. What is the rhyme scheme? The rhyming words are slave, cave, feet, sweet, long song. And the rhyme scheme is AABBCC. Next is, they knelt and prayed with supplication sweet, pick out and explain the figure of speech in the given line. Now, इसके अंदर हमको क्या figure of speech मिलेगा? पहला है alliteration, repetition of the sound S, और दूसरा है inversion. The correct prose order is, they knelt and prayed with sweet supplication. What was the magical effect of Ustad's rendering the Malkaus Raga? When Ustad sang the Malkaus Raga, the birds and beasts gathered around, enchanted with the song. Akbar felt waves of heavenly rapture. He felt his soul was enchanted and his heart was filled with delight. What happened before Akbar could come out of his trance? Ustad had vanished before Akbar could come out of his trance. Why did Tansen's singing not produce the same effect as that by Ustad?
तानसेन्स सिंगिंग डिड नॉट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट बाय उस्ताद बिकॉज तानसेन सैंग टू अकबर अ ह्यूमन बींग वाइल उस्ताद सैंग टू गॉड. वॉट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू दिस नरेटिव पोएम तानसेन. द पोएट विशेज टू कन्वे दैट वन कैन रीच ग्रेट हाइट्स इन वंस फील्ड इफ वन बिकम्स अनवर्ल्डली एंड डिवोट्स वंस टैलेंट्स टू समवन और समथिंग हायर देन मियर ह्यूमन बींग. राइट द रीजन इन योर ओन वर्ड्स. After the song, Ustad had vanished. Ustad vanished because he probably did not want to hear any praise or any demands for more songs. Ustad's song was more elating than Tansen's song. Ustad's song was more elating than Tansen's songs because Tansen sang to Akbar, a human being, while Ustad sang to God. Poetic devices. Pick out the figures of speech in the sentence. He felt the waves of heavenly rapture roll. The figure of speech is alliteration. Why alliteration? Because the letter R is repeated for pleasing effect. Now this is the appreciation in paragraph format. Tansen by Hazrat Inayat Khan is the story of Akbar's appreciation of Tansen's singing, his meeting with Tansen's teacher and what he felt during this meeting. The final lines lead to the climax of the story. The poem is in couplets, so the rhyme scheme is AA. A figure of speech alliteration. Tell me, Tansen, what theme this is that holds. Repetition of the sound of the letter T. The other figures of speech are simile and inversion. The poet wishes to convey that one can reach great heights in one's field if one becomes unworldly and devotes one's talents to someone or something higher than mere human beings. The story is told systematically and logically and can be easily understood. The last line is the climax of the poem and really makes us think. My favorite line is in the climax, oh no, to thee I sing, he sings to God. I like the poem because it is in the format of a story and easy to understand. Now, these are some of the archaic words from the poem and what are their modern equivalent meanings today. Thy means your, thine is yours, twere, it were, over, over, thee, you. समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन 8 to 10 लाइन्स हाईलाइटिंग ओनली द मेन पॉइंट्स. तो अभी हमें समरी लिखना है इस पोएम का. सो टाइटल तो हम देंगे तानसेन. तानसेन वॉज अ सिंगर इन अकबर्स कोर्ट. वन डे ही सैंग द दीपक रागा सो वेल दैट अकबर वॉज एनरैप्चर्ड. ही विश टू मीट द टीचर एट हुज फीट तानसेन हैड लर्न टू सिंग सो मैजिकली. हाउएवर द टीचर लिव्ड इन अ रिमोट केव इन द हिमालयस. He shunned wealth and disdained to sing to earthly kings. Akbar donned the clothes of a slave and went with Tansen to meet him. On their request, Ustad sang the Malkaus Raga. It was so enchanting that Akbar felt as if he had been transported to heaven. Soon after this, Ustad vanished. Akbar asked Tansen whether he could sing the same musical composition that Ustad had sung. Tansen replied that he could not. For he, Tansen, sang to earthly kings while his Ustad sang to God. Now, this question, rearrange the following in their proper order as in the poem. Write the serial number against each line. So, ye yahan pe directly answers diye hue hain. The Ustad sang the Malkaus Raga enchantingly, it's number 6. Then Akbar followed Tansen dressed miserably is number 4. I request you to sing such a song that I will experience unmatched joy is number 9. Ustad was nowhere to be seen, number 8. O divine teacher, please gift us the joy of your song, number 5. One day the king sang Deepak Raga in the court, number 1. It's one day the singer sang Deepak Raga in the court, is 1. Akbar expressed his wish to meet the teacher, number 3. He experienced heavenly delight, number 7. Tansen sings to please the earthly king, but Ustad devotes his song to God, number 10. And lastly, the 10th one, which is not seen over here, is she sang Raga Malhar which had a cooling effect, that is number 2. तो इसी के साथ मेरा ये poem explanation along with question and answers खत्म हुआ है. I hope आपको पसंद आए. जरूर से subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए. आज के लिए इतना ही. जल्द ही मिलेंगे अगले videos में. तब तक के लिए stay safe, stay secure. Thank you.